अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजीकृत द्वारा जनपद बागपत के नगर बड़ौत में नव नियुक्त जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा साथ ही ब्राह्मण समाज के युवाओं को एक मंच पर आने का आह्वान किया तथा नव नियुक्त जिला कमेटी के पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गयी की ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए ही कार्य करेंगे। पंडित चिन्मय भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाने के लिए जन जागरण रथ यात्रा शुरू। राजनीतिक पार्टी करती है ब्राह्मणों का शोषण। भाजपा जिला अध्यक्ष बागपत संजय खोखर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बागपत जनपद के थाना छापरौली के अंतर्गत गांव में जिला अध्यक्ष संजय खोखर के पुत्र अक्षय खोखर ने ही ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ छेड़छाड़ व घर में चिट्ठी फेंकने की घटना को अंजाम दिया था। तभी से यह लड़की छेड़छाड़ का प्रकरण अभी भी शांत नहीं होने का नाम ले रहा है। कहीं भाजपा जिला अध्यक्ष को इस प्रकरण में अपनी कुर्सी न गंवानी पड़ जाए। मैं चिन्मय भारद्वाज अखिल भारत वर्षीय युवा ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी है और मैं उसका बहुत ही तत्परता के साथ में पालन कर रहा हूँ और संगठन को मजबूत बनाने की कड़ी में आज मैं बागपत जिले के बड़ौत तहसील में आज हमारे जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा जी की जिला इकाई के शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ आया हुआ हूँ। हमारा संगठन का एक उद्देश्य ये है कि सर्वप्रथम तो जो ब्राह्मण समाज है, सर्व समाज में सबसे सम्मानित समाज माना जाता है, आज उस समाज को उनकी एकता में विघटन होने के कारण आज वो समाज छिन्न भिन्न होता जा रहा है और उसका सीधा सीधा फायदा राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। अपने ब्राह्मण भाइयों को लालच देकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में उनका शोषण करते हैं और समाज को बेचने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने युवाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण युवाओं को जोड़ते हुए एक इस तरह का एक परचम लहराने का काम हिंदुस्तान में करें कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मण समाज उनके कदमों में नहीं, राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण समाज के कदमों में आए, ये विश्वास युवाओं में मैं जगाना चाहता हूँ और इसी के लिए मैं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में संगठन को दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए पूरा समाज हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो सरकार से सीधी सीधी मांग ये है कि पूरा देश आरक्षण से मुक्त होना चाहिए, यानी कि आने वाले समय में जैसे 2019 में या 19 में चुनाव होते हैं तो उसमें आप अपना कैंडिडेट उठा सकते हो। हम अभी 2019 से पहले, चुनावों से पहले पूरे प्रदेश में एक रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं जो आरक्षण मुक्त भारत की मांग को लेकर है, जिसमें हमें संत समाज का भी समर्थन मिल चुका है, उसमें हमारे शंकराचार्य जी, दंडी स्वामी जी और पूरा ब्राह्मण समाज से इतर भी जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो भी हमारे साथ आए हुए हैं और उनकी भी एक मांग है कि जल्द से जल्द केंद्रीय स्तर पर, हर राज्य स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सवर्ण आयोग का गठन करें और हम लोग मेरठ से इस रथ यात्रा को शुरू करेंगे और दिल्ली तक हम पूरा मार्च निकालेंगे। वो सरकार हमारी मांग मान लेती है तो ठीक है, वो नहीं मानती तो राजघाट पे हमारा धरना प्रदर्शन लोकसभा चुनाव से पहले जारी रहेगा और जो सरकारें जो आज पार्टी सत्ता में हैं अगर वो ब्राह्मण समाज को उचित सम्मान नहीं देंगी तो हम उन्हें सिंहासन से नीचे उतारने का काम भी कर सकते। आपकी बिरादरी के ब्राह्मण समाज के कुछ व्यक्ति बीजेपी में भी है, बागपत जिले से माने हुए लीडर भी है, बहुत से विधायक वगैरह उन्हें मंत्री पद भी मिला हुआ है, उसमें क्या कहना आपका? देखिए, ब्राह्मण समाज को हमने सीधा कहना है कि जो भी राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का बात करेगा और सम्मान देगा, हम लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे, पहले भी खड़े रहे हैं, आज भी खड़े रहेंगे। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ, ये देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज आज एक बहुत कष्टदायी जीवन जी रहा है। अभी बागपत का ही एक मामला है, हम लोग भी उसमें आए थे, यहाँ के एक सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष द्वारा उनके बेटे के द्वारा ब्राह्मण लड़की को छेड़छाड़ करना, उसका शोषण करना, उसमें भी बहुत लोग इन्वॉल्व रहे, शासन प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व रहा। मैंने आवाज़ मुख्यमंत्री तक उठाई और बहुत जल्द उस सत्ताधारी जिलाध्यक्ष का पद जाने वाला है। ये ब्राह्मण समाज की एक ताकत हम उभर रही है, इसको हम युवा अपने हाथ में लेके सुधारने का काम करेंगे। तो यानी कि भाजपा जिलाध्यक्ष का उल्टी गिनती शुरू? निश्चित रूप से कोई भी जिलाध्यक्ष हो, किसी भी सत्ताधारी पार्टी का हो, अगर समाज का अपमान करने का काम करेगा तो ब्राह्मण समाज से नीचे उतारने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा। तो फिर जिलाध्यक्ष की दौड़ में तुम्हारा कोई ब्राह्मण समाज का बंदा है? अगर ब्राह्मण समाज अपना पार्टी में सम्मान चाहता है, पार्टी सम्मान देना चाहती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं, भाजपा में कह रहा हूँ, भाजपा जिलाध्यक्ष के। देखिए, वो पार्टियों का अंदरूनी मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरी जानकारी में भी नहीं है, लेकिन समाज को सम्मान देने का काम राजनीतिक दल करेंगे तो समाज भी राजनीतिक दलों को सम्मान देगा।
हर न्यूज के लिए बागपत से प्यारे लाल वर्मा की रिपोर्ट।